नमस्कार फ्रेंड्स, आज जो मुकाबला है पंजाब किंग्स के बीच में और रॉयल चैलेंजर बैंगलोर के बीच में। और आज आप लोग को पिच रिपोर्ट, जहां मुकाबला होने वाला है एम चिन्ना स्वामी स्टेडियम में, ठीक है। बिल्कुल इतना छोटा छोटा डिटेल दूंगा कि उससे आप लोग जब टीम बनाओगे तो 11 जो प्लेयर है, 11 प्लेयर में लगभग 90% जो आपके प्लेयर है वो ड्रीम टीम में रहेंगे। पिच रिपोर्ट को देखना, पिच रिपोर्ट को मिस मत करना, क्योंकि मैं छोटा से छोटा डिटेल जो होता है वो आप लोग को निकाल के देता हूँ। शायद उतना छोटा से छोटा डिटेल आप लोग को कोई भी नहीं देता होगा, ठीक है। तो एम चिन्नास्वामी स्टेडियम का पिच रिपोर्ट आप लोग को देता हूँ। तो यहाँ टोटल मुकाबले कितने हुए? टोटल मुकाबले हुए हैं 88, ठीक है। 88 मुकाबले यहाँ पे खेले गए टोटल। कितना मुकाबला खेला गया टोटल? टोटल यहाँ पे 88 मुकाबले खेले गए। 88 मुकाबले में पहले बल्लेबाजी करते हुए, ठीक है, फर्स्ट बैटिंग में जो विनिंग का रेशियो है वो है 37 और सेकेंड बैट में जो विनिंग का रेशियो है वो है 47, ठीक है। 37-47 ये है रेशियो विनिंग का, ठीक है। उसके बाद चार मैच जो है वो नो रिजल्ट रह गए थे यहाँ पे चार मैच। तो यहाँ विनिंग का जो परसेंटेज है वो सेकेंड टाइम बैट में है, यानी यहाँ जो भी टीम टॉस जीतेगी, ठीक है, वो ज़्यादा चांसेस है बॉल करेगी, ठीक है। जो भी टॉस जीतेगी ज़्यादा चांसेस है वो बॉलिंग करेगी, क्योंकि यहाँ सेकेंड चेज ज़्यादा होते हैं, एम चिन्नास्वामी स्टेडियम में चेज ज़्यादा होते हैं। एक्चुअली आगे बात करते हैं कि यहाँ हाइएस्ट रन कितने बने। हाइएस्ट जो रन बने हैं इस पिच पे वो हाइएस्ट रन बने 263 रन 5 विकेट के नुकसान पे। ये कब बनाया था? आरसीबी ने बनाया था और बनाया था पुणे वॉरियर्स के खिलाफ। कब बनाया था? 2013 में, ठीक है। हाइएस्ट कितना? 263 रन बनाया है। लोवेस्ट कितना बनाया यहाँ पे? 82 रन इस पिच पे लोवेस्ट है जो आरसीबी ने बनाए थे केकेआर के खिलाफ। कब बनाए थे? 2013 में, ठीक है। हाईएस्ट भी आरसीबी का, लोवेस्ट भी आरसीबी का। हाईएस्ट यहाँ रन चेज कितना हुआ जानते हो? हाईएस्ट रन चेज जो यहाँ पे हुआ है वो हुआ है 213 रन, जो एलएसजी ने किया था आरसीबी के खिलाफ। कब किया था? 2023 में शायद किया था, ठीक है। 213 रन यहाँ पे चेज हुए हाईएस्ट, 213 रन, ठीक है। तो ये कुछ डिटेल हो गया। अब आगे जाएंगे, आप लोग को बिल्कुल डीप से डीप डिटेल देंगे, इतना डीप डिटेल देंगे कि आप लोग भी सोचोगे भाई इतना डीप डिटेल कौन देता, ठीक है। तो चलो, लोवेस्ट डिफेंड मतलब सबसे कम रन यहाँ पे कितना बचाया गया? 138 रन आज तक सबसे कम यहाँ पे बचाया गया, यानी इस पिच पे लगभग 150 रन जो है वो चेज हो जाएंगे आसानी से, ठीक है। इस पिच पे अगर 150 रन बनते हैं तो 150 रन चेज होने के बहुत ही ज़्यादा चांसेस है, क्योंकि लोवेस्ट जो बचाया गया यहाँ पे 138 रन ही बचाया गया, ठीक है। अब आते हैं एवरेज पे, कितना रन बनता है, उसके बाद आप लोग को बॉलिंग डिटेल देंगे कि कौन सा बॉलर ज्यादा विकेट लेगा, कौन सा बल्लेबाज ज्यादा रन बनाएगा, किस पारी में ज्यादा रन बनेंगे, ठीक है, वो सारे डिटेल देंगे। उससे पहले एवरेज पे आते हैं, ठीक है। तो फर्स्ट पारी का जो एवरेज है वो 172 है और सेकेंड पारी का जो एवरेज है वो 156 है, यानी आस पास ही, यानी फर्स्ट पारी में लगभग 172 रन बनते हैं, सेकेंड पारी में 156 रन बनते हैं इस पिच पे, ठीक है। और यहाँ मोस्ट रन, सबसे ज्यादा रन यहाँ पे किसने बनाया है? तो इस पिच पे सबसे ज्यादा जो रन है वो विराट कोहली के नाम है, विराट कोहली ने यहाँ पे कितना रन बनाया जानते हो? यहाँ पे विराट कोहली ने टोटल जो रन बनाया वो 2700 रन बनाया है, ठीक है। 2700 रन विराट कोहली ने बनाया है 78 इनिंग्स में। 2700 रन इस पिच पे सबसे ज्यादा जो रन है वो विराट कोहली के नाम। यहाँ टोटल जो 50s लगे हैं, 149 50s लगे हैं, जिसमें से मोस्ट जो 50s है वो विराट कोहली ने लगाए हैं, 20 50s लगाए हैं, ठीक है। यहाँ पे जो मोस्ट 100 बने हैं वो 1300 बने हैं, 1300 में जो मोस्ट 100 है वो विराट कोहली के नाम है। विराट कोहली ने यहाँ पे कितने शतक लगाए हैं? विराट कोहली ने यहाँ पे 4 शतक लगाए हैं, 13 शतक लगे जिसमें से 4 जो है यहाँ पे विराट कोहली ने लगाए हैं। देखो, जब भी आप लोग पिच रिपोर्ट, जब भी मैं बताता हूँ आप लोग देखने के लिए बैठो, तो पेन और पेपर लेके बैठना और सब कुछ नोट करते जाना, ठीक है। उससे क्या होगा कि याद रहेगा। वीडियो बहुत लंबा हो जाता है तो आप लोग बार बार वीडियो देख के तो याद मेरे ख्याल से नहीं रख सकते हो, इसीलिए जो है वो आप लोग पेन पेपर लेके बैठना और नोट जरूर करना, ठीक है। तो मुकाबला जो है वो आरसीबी के खिलाफ है, आरसीबी वर्सेस पंजाब का है, ठीक है पंजाब का है, तो पंजाब का है, जिसमें से टोटल मुकाबला दोनों टीम ने खेला है वो 31 खेला है, 31 मुकाबला, जिसमें से आरसीबी की बात करें तो आरसीबी ने टोटल मुकाबले जीते हैं 14 और पंजाब ने टोटल मुकाबले जीते हैं 17, ठीक है। उसके बाद
जो हाईएस्ट बनाया है आरसीबी ने पंजाब के खिलाफ वो 226 रन बनाया है, पंजाब ने आरसीबी के खिलाफ 232 रन हाईएस्ट बनाया है। ठीक है, लोवेस्ट जो है वो आरसीबी ने पंजाब के खिलाफ 84 रन बनाया है और पंजाब ने आरसीबी के खिलाफ 88 रन बनाया है। ठीक है, ये डिटेल हो गया, ये हेड टू हेड है दोनों के बीच, कितना बार आईपीएल में टकरा हुआ है, क्या रेशियो है। ठीक है, पिछले कुछ मैच में देखा जाए, 5-6-7 मैच में देखा जाए तो लगभग 7 में जो है लगभग 5 बार पंजाब जीती हुई है। ठीक है, तो चलो अब आगे डिटेल निकालते हैं कि इस पिच का डिटेल निकालते हैं, तो हेड टू हेड डिटेल था, अब पिच का डिटेल निकालते हैं। ठीक है, पिच का डिटेल, टोटल मुकाबला कितना हुआ है, 86 मुकाबला हुआ है। ठीक है, 86 मुकाबले में जो रन टोटल बने हैं, रन ये चीज नोट करना बहुत ही काम देगा। ठीक है, रन जो बने हैं वो बने हैं 27,943। ठीक है, 27,943 रन बने हैं, फर्स्ट इनिंग में कितने बने हैं और सेकंड में कितने बने हैं। फर्स्ट इनिंग में जो रन बने हैं वो बने हैं 14,846। ठीक है, 14,840 रन बने हैं जो फर्स्ट इनिंग में बने हैं। सेकेंड इनिंग में जो रन बने हैं वो बने हैं 13,103, 13,103। ठीक है, सेकेंड इनिंग में रन बना है, टोटल देखो इस पिच पे 86 मुकाबले में रन कितना बना है, 27,943, जिसमें से फर्स्ट इनिंग में जो रन बना है वो 14,840 बना है, सेकेंड इनिंग में 13,140 बना है। हाईएस्ट जो है वो फर्स्ट इनिंग में कितना बना है, हाईएस्ट फर्स्ट इनिंग में 263 रन बना है और सेकेंड इनिंग में 218 रन। ठीक है, 2018 हो गया, 218 रन। ठीक है, लोवेस्ट जो है, लोवेस्ट यहाँ पे फर्स्ट इनिंग में जो है वो 89 बने हैं, सेकेंड इनिंग में 48 बने। उसके बाद 150 से, ठीक है, उसके बाद अब रन आते हैं कि रन कितना बन सकता है, 150 से 199 रन यहाँ पे कितना बार बना है, 96 बार बना है, जिसमें से फर्स्ट इनिंग में 50 बार और सेकेंड इनिंग में 46 बार। मतलब फर्स्ट इनिंग में 150 से 199 रन तक बने हैं 50 बार और सेकेंड इनिंग में 46 बार। ठीक है, तो ज्यादा स्कोर फर्स्ट इनिंग में होता है, ये चीज नोटिस करना आप लोग, ये पहले मैं नोट कर लेता हूँ फिर आप लोग को डिटेल में ये चीज समझाऊंगा। ठीक है, फिर आ गया 200 से 249, 200 से 249 जो है वो 26 बार बने हैं और फर्स्ट इनिंग में 18 बार, सेकेंड इनिंग में 8 बार। ठीक है, 100 से 149, 100 से 149 जो है वो 40 बार बने हैं और जिसमें से फर्स्ट फर्स्ट इनिंग में 15 बार, सेकंड इनिंग में 25 बार। देखो एक चीज यहां पे नोटिस करने वाला ये है कि जब भी हाई स्कोरिंग मैच होगा, तो हाई स्कोरिंग मैच 96 बार हुआ है, 150 से 199 बार, 96 बार हाई स्कोरिंग मैच हुआ है। ठीक है, और 26 बार, तो 26 बार यहाँ 200 से 249 रन बने, 200 से 249 तक 26 बार बने, जिसमें से देखो फर्स्ट इनिंग में हमेशा रन जो है ज्यादा बनते हैं, 50 बार यहाँ पे 150 से 199 फर्स्ट इनिंग में बने और 46 बार, ये तो आंकड़ा लगभग सेम है 50% के आसपास। ठीक है, लेकिन जब भी 200 से पार जाता है तो 18 बार जो है फर्स्ट इनिंग में बना है और 8 बार जो है वो सेकेंड इनिंग में बना है। तो यहाँ फर्स्ट इनिंग में जो रन बनने के आंकड़े रहते हैं वो लगभग 200 के आसपास रहते हैं, ये चीज आप लोग नोटिस करना। ठीक है, और सेकेंड इनिंग में जो बनने के आंकड़े रहते हैं, सेकेंड इनिंग में जो रन बनने के आंकड़े रहते हैं 170 के आसपास रहते हैं, वैसे पिच रिपोर्ट के हिसाब से तो फर्स्ट इनिंग में 172, सेकेंड इनिंग में 152। ठीक है, ये रेशियो है 170, आई मीन पिच रिपोर्ट के हिसाब से, ये शायद नीचे जो मैंने नोट किया ये आप लोगों को नहीं दिख रहा, तो मैं कैमरा शायद थोड़ा डाउन कर देता हूँ। ठीक है, तो देखो इसके हिसाब से जो रन बनने के चांसेस हैं फर्स्ट इनिंग में 200 और सेकेंड इनिंग में 170 रन। ठीक है, लेकिन पिच रिपोर्ट के अनुसार 172 रन जो है वो फर्स्ट इनिंग में, 152 जो है वो सेकेंड इनिंग में। ठीक है, ये रेशियो है। अब कैमरा को मैं इस एंगल पे सेट कर देता हूं, तो ये है बैटिंग का रेशियो। ठीक है, अब आएंगे बॉलिंग के रेशियो पे, शायद आप लोगों ने ये चीज नोट कर लिया होगा, नहीं किया है तो वीडियो को पॉज करके कर लेना, इसे मैं इरेज करता हूँ या फिर वीडियो को रिवर्स करके नोट कर लेना, ये सब चीजें आपको बहुत ही काम देगी टीम बनाने में। ठीक है, टीम बनाने में ये सारी चीजें जो है मेरे ख्याल से आपको बहुत ज्यादा काम देगी। ये हो गया बैटिंग का रेशियो, किस प्रकार से रन बनते हैं। ठीक है, किस प्रकार से रन बनते हैं, ये बैटिंग का रेशियो हो गया। चौके छक्के भी बता दूं क्या कि कितने चौके छक्के लगे हैं, चलो बता देता हूँ। चौके जो टोटल इस पिच पे लगे हैं वो लगे हैं 2,355। ठीक है, जिसमें से फर्स्ट इनिंग में जो चौके लगे हैं वो
1245 लगे हैं, सेकेंड इनिंग में जो है वो 1110 लगे हैं, ठीक है। छक्के की हम बात करें, ठीक है, छक्के की अगर हम बात करें तो टोटल छक्के 1241 छक्के लगे हैं, ठीक है, 1241 छक्के लगे हैं, जिसमें से फर्स्ट इनिंग में 688, सेकेंड इनिंग में 553, यानी जो बाउंड्री है, बाउंड्री भी आपको फर्स्ट इनिंग में ज़्यादा देखने को मिलेगी सेकेंड इनिंग के मुकाबले, ठीक है, ये चीज़ भी आप लोग नोटिस करना, बाउंड्री जो है वो फर्स्ट इनिंग में ज़्यादा देखने को मिलेगी सेकेंड इनिंग के मुकाबले। अब आएंगे हम लोग बॉलिंग स्टेट्स पे कि किस गेंदबाज को कैसे कैसे विकेट मिला है और कितना विकेट मिला है, इस चीज पे हम लोग आएंगे, ठीक है, स्पीच पे, स्पीच पिच डिटेल है ना, बॉलिंग पे आते हैं, बॉलिंग पे आते हैं। अब बॉलिंग पे आते हैं तो भाई यहाँ पे कैसे कैसे विकेट गिरेंगे, कितना विकेट गिरने के चांसेस हैं, 3 से 4 विकेट जो हैं वो कितने बार गिरे हैं, 38 बार गिरे हैं, ठीक है, जिसमें से फर्स्ट इनिंग, फर्स्ट सेकंड, फर्स्ट इनिंग में 18 बार, सेकंड इनिंग में 20 बार, ये समझाऊंगा, ये चीज पहले आप लोग को नोट करा देता हूँ मैं, ठीक है। फिर 5 से 7 जो विकेट है वो कितने बार गिरे हैं, 71 बार, 71 बार, जिसमें से 39 बार जो है वो फर्स्ट इनिंग में, 32 बार जो है वो सेकेंड इनिंग में, उसके बाद 8 से 9 विकेट, 8 से 9 विकेट जो गिरे हैं वो गिरे हैं 14 बार, 14 बार नहीं, 33 बार, जिसमें से 17 बार जो है वो फर्स्ट इनिंग में, सेकेंड इनिंग में 16 बार, 10 विकेट, 10 विकेट कितने बार गिरे हैं, 14 बार, जिसमें से फर्स्ट इनिंग में 8 बार, सेकेंड इनिंग में 6 बार, ये क्या है, देखो टोटल विकेट 3 से 4 विकेट जो है इस पिच पे कितना बार गिरा है, 38 बार, ठीक है, जिसमें से फर्स्ट इनिंग में 18 बार गिरा है, सेकंड इनिंग में 20 बार गिरा है, यानी 3 से 4 विकेट जब भी जाता है तो सेकंड इनिंग में ज्यादा विकेट जाता है, ठीक है। 5 से 7 विकेट 71 बार गिरा है, यानी जो मुकाबला होगा उसमें ज्यादा चांसेस कितने विकेट गिरने का है, 5 से 7 विकेट, 5 से 7 विकेट, तो उसमें से ज्यादा चांसेस 5 से 7 विकेट फर्स्ट इनिंग में ज्यादा गिरता है, सेकंड इनिंग में कम गिरता है, लेकिन रेशियो जो है वो 50% के आसपास ही है, बराबर ही है, ठीक है। तो 5 से 7 विकेट गिरने, जो मुकाबला होगा उसमें से लगभग कितना विकेट गिर सकता है, 5 से 7 विकेट गिरेगा, तो फर्स्ट इनिंग में भी 5 से 7 विकेट गिरता है, सेकंड इनिंग में भी रख लो कि 5 से 7 विकेट गिरता है, तो जो आप लोग बॉलर को चूज करोगे, फर्स्ट इनिंग में जिसको चूज करोगे, सेकंड इनिंग में चूज करोगे, दोनों आपको सेम विकेट लेके देंगे इस पिच पे, तो ये बहुत ही ज्यादा नोट करने वाला डिटेल है, ठीक है। तो ये चीज हो गया, 8 से 9 विकेट भी 33 बार गिरा है, 33 बार, 33 बार 8 से 9 विकेट गिरा है, लेकिन 17 बार जो फर्स्ट इनिंग में, 16 बार जो है सेकंड इनिंग में, यानी विकेट देखो यहां भी लगभग सेम ही है, 1 विकेट का अंतर, यहां भी लगभग 50% मान लो, तो विकेट गिरने का जो रेशियो है यहां भी देख लो 18-20, यहां भी सेम है, तो फर्स्ट इनिंग में जितना विकेट गिरता है लगभग सेकंड इनिंग में भी उतना ही गिरता है इस पिच के रेशियो से, 10 विकेट 14 बार गए हैं तो 8 बार जो है फर्स्ट इनिंग में, 6 बार जो है वो सेकंड इनिंग में, तो यहां भी सेम, विकेट गिरने के जो टोटल चांसेस कितना है वो 5 से 7 विकेट गिर सकते हैं, ठीक है, 5 से 7 विकेट गिर सकते हैं, लेकिन 5 से 7 विकेट में जो फर्स्ट इनिंग में जो गेंदबाजी करेगा वो जितना विकेट लेगा लगभग सेकेंड इनिंग वाला भी उतना ही विकेट लेगा, ये बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट डिटेल, ठीक है, इस डिटेल को आप लोग बिल्कुल भी नोट करना और इसको बिल्कुल लिख के रखना। टोटल कितने विकेट गिरे हैं यहाँ पे, टोटल जो विकेट गिरे हैं वो गिरे हैं 997 विकेट, ठीक है, 997 विकेट में 523 विकेट जो है, 523 विकेट फर्स्ट इनिंग में गिरे हैं और सेकेंड इनिंग में 474 विकेट गिरे हैं, यानी सेकेंड इनिंग में थोड़ा सा कम विकेट गिरता है, ठीक है, 2% 3% मान लो, 3% जो है वो कम लगभग विकेट गिरता है। अब आते हैं कि यहाँ पे ज्यादा विकेट किस गेंदबाज ने लिया है, ठीक है, किस गेंदबाज ने यहाँ पे ज्यादा विकेट लिया है, तो आते हैं लेफ्ट आर्म पे, लेफ्ट आर्म जो है फास्ट में, फास्ट मीडियम मीडियम फास्ट, ठीक है, स्पिन, ये तीन चीज मैं लिख देता हूं, मीडियम फास्ट ने जो है वो टोटल कितने विकेट लिए हैं, 19 विकेट लिए हैं, आई मीन फास्ट में, मीडियम फास्ट में कितना, 138 विकेट लिए हैं, और स्पिन ने 84 विकेट लिए हैं, लेफ्ट आर्म फास्टर, लेफ्ट आर्म मीडियम पेसर, लेफ्ट आर्म स्पिनर, लेफ्ट आर्म नॉट पूरा स्पिन, ठीक है, जिसमें से फर्स्ट इनिंग में कितने विकेट गए हैं, फर्स्ट इनिंग में टोटल 19 में से 9 विकेट गए हैं और सेकेंड में 10 विकेट, ठीक है, मीडियम पेसर कितना, 68 और 60, स्पिन जो है वो 39
और 45। देखो जो लेफ्ट आर्म फास्टर आएंगे, लेफ्ट आर्म मीडियम पेसर आएंगे, लेफ्ट आर्म स्पिनर आएंगे, वो क्या करेंगे, वो आपके फर्स्ट इनिंग में, देखो फर्स्ट इनिंग में जो है वो जो फास्टर होंगे वो सेकंड इनिंग में ज्यादा विकेट लेंगे, जो मीडियम पेसर होंगे वो फर्स्ट इनिंग में ज्यादा विकेट लेंगे, लेफ्ट आर्म वाले स्पिनर जो होंगे स्पिनर सेकंड इनिंग में ज्यादा विकेट लेंगे लेफ्ट आर्म वाले, ठीक है। तो ये है विकेट का रेशियो, और ज्यादा सफलता किसको मिल रहा है यहाँ पे, मीडियम पेसर, उसके बाद स्पिनर, उसके बाद फास्टर, मीडियम पेसर उसके बाद स्पिन, ठीक है, मीडियम पेसर उसके बाद स्पिन, ज्यादा मौका मिल रहा है। अब आते हैं राइट आर्म पे, राइट आर्म पे आते हैं, ठीक है, राइट आर्म में जो है, राइट आर्म में जो है फास्ट फास्ट आते हैं, उसके बाद मीडियम प्रेशर आते हैं, उसके बाद स्पिन आते हैं, ठीक है। तो फास्ट आर्म ने कितने विकेट लिए हैं राइट आर्म ने, 96, मीडियम प्रेशर जो है 321 और स्पिन जो है वो 202, फर्स्ट इनिंग सेकेंड इनिंग, ठीक है। तो फर्स्ट इनिंग में फास्ट रन ने यहाँ पे कितना लिया है 57 और सेकेंड इनिंग में कितना लिया है 39, ठीक है। उसके बाद मीडियम पेसर ने कितना 174 और सेकेंड इनिंग में कितना लिया है 147, उसके बाद स्पिनर ने 99, 103। एक चीज यहाँ नोटिस करने वाला क्या है कि एक चीज यहाँ ये नोटिस करने वाला है आप लोग, एक चीज यहाँ पे देखो, लेफ्ट आर्म बॉलर के मुकाबले जो राइट आर्म बॉलर है उन्होंने बहुत ही ज्यादा विकेट लिए, उनके मुकाबले यहाँ बहुत ज्यादा विकेट लिए। फास्टर जो है राइट आर्म फास्टर 96 विकेट उन्होंने लिया, जिसमें से ज्यादा विकेट कम मिला है फर्स्ट इनिंग में, सेकंड इनिंग में कम विकेट मिला है, जबकि वहां जो राइट आर्म जो फास्टर थे, लेफ्ट आर्म जो फास्टर थे, लेफ्ट आर्म फास्टर सेकंड इनिंग में ज्यादा विकेट ले रहे थे, फर्स्ट इनिंग में कम ले रहे थे, लेकिन राइट आर्म में उल्टा है, राइट आर्म वाले फर्स्ट में ज्यादा विकेट ले रहे हैं, सेकंड में कम ले रहे हैं। ये छोटा डिटेल आपको मेरे ख्याल से बहुत ही कम मिलेगा, तो ये चीज नोटिस करने वाला है, ठीक है। अब आते हैं हम फास्टर में, अगर हम पेसर में आते हैं तो चाहे वो राइट आर्म हो चाहे लेफ्ट आर्म हो, मीडियम पेसर वो फर्स्ट इनिंग में ज्यादा विकेट ले रहे हैं, लेकिन मीडियम पेसर ज्यादा, देखो लेफ्ट आर्म के मुकाबले राइट आर्म वाले ज्यादा विकेट इस पिच पे उनको मिला है। तो मीडियम पेसर ने टोटल कितना विकेट लिया, 321 विकेट, जिसमें से 174 विकेट जो है फर्स्ट इनिंग में, 147 जो है वो सेकंड इनिंग में, स्पिन जो है 202 विकेट लिए, 99 जो है वो फर्स्ट इनिंग में, सेकंड इनिंग में 103। यानी यहाँ एक चीज नोटिस क्या करना है कि मीडियम पेसर जो है वो ज्यादा विकेट लेते हैं, उसके बाद जो स्पिन है स्पिन उनके आसपास रहते हैं, यानी जो रेशियो है आप लोग जो दोनों का रेशियो आप लोग कह सकते हैं 60-40 का कह सकते हैं कि रेशियो है, मीडियम प्रेशर 60% विकेट लेंगे, 40% विकेट स्पिनर लेंगे, ठीक है। ये हो गया अगर 100% में आंकड़ा निकाले तो, नहीं तो आप ऐसे भी आंकड़ा निकाल सकते हो, जैसे मीडियम प्रेशर हो गए, स्पिन हो गए, फास्ट को भी अगर आप लेते हो इस लिस्ट में, ठीक है, तो आपके जो है वो 45% विकेट मीडियम प्रेशर लेंगे, फिर 35% जो है वो ले लेंगे आपके स्पिनर, उसका 10% बचाना, 10% बचाना, 20% बचा भाई, कितना बचा, ये कितना हो गया 20% मेरे ख्याल से बचा, 20% जो विकेट हैं वो आपके फास्टर ले लेंगे, ठीक है, 20% विकेट। तो ये रेशियो रहता है विकेट लेने का, यहाँ पे विकेट का रेशियो मैंने बता दिया। अब चलो बात करते हैं कि पावर प्ले में लगभग कितना रन बनेगा और टोटल स्कोर जो है वो कितना जाएगा पंजाब और आरसीबी के मैच में, और कितना विकेट गिरेगा, ये वीडियो, वैसे वीडियो आप लोग पूरा देखेंगे तो आप लोग को सब कुछ अंदाजा लग गया होगा, लेकिन मैं बताता हूँ। देखो पावर प्ले में जो रन बनने का चांस है वो 40-55, पावर प्ले में जो रन बने, विकेट कितना गिरेगा पावर प्ले में, एक विकेट गिर सकता है, ठीक है, एक विकेट गिर सकता है और 40-55 रन बनने के चांसेस हैं पावर प्ले में, ठीक है, और एक विकेट गिरने का चांस है। उसके बाद टोटल जो स्कोर कितना जाएगा, स्कोर जो है वो 190 के आसपास जाएगा, ठीक है, 190 में कितना विकेट गिरेगा, लगभग 6 विकेट गिरेगा, लगभग, ठीक है, लगभग 6 विकेट गिरेगा और स्कोर जो है 190 के आसपास जाएगा और 40-55 रन जो है वो बनेंगे आपके पावर प्ले में। कौन ज्यादा विकेट लेगा, मीडियम पेसर, 6 विकेट से बना, मीडियम पेसर कितना विकेट लेगा, मीडियम पेसर लगभग 4 विकेट लेगा, स्पिनर जो है स्पिन लगभग 2 विकेट लेगा फर्स्ट इनिंग में, और सेकेंड इनिंग में भी लगभग जो रेशियो है ऐसा ही रहेगा, ठीक है, ऐसा ही रहेगा। जो टीम टॉस जीतेगी, टॉस जो भी टीम जीतेगी वो ज्यादा चांसेस है बॉलिंग करेगी, ठीक है,
इस पिच पे बोलबाला किस बैट्समैन का रहा है, एक्स फैक्टर जिसको कहते हैं। इस मार्कर में इंक काफी कम है तो मैं मार्कर जो है दूसरा मैं मार्कर में यूज करता हूँ। तो एक्स फैक्टर की बात करते हैं, एक्स फैक्टर ठीक है, तो एक्स फैक्टर कौन साबित होंगे इस पिच पे, विराट कोहली। विराट कोहली का जो आंकड़ा है इस पिच पे काफी अच्छा है, बहुत ही अच्छा है। 27 रन विराट कोहली ने इस पिच पे बनाया है, 27 रन, एम चिन्ना स्वामी स्टेडियम जो बेंगलुरु में है, ठीक है, जो बेंगलुरु में है। तो विराट कोहली जो है, विराट कोहली इसमें एक्स फैक्टर साबित होंगे और विराट कोहली काफी अच्छा परफॉर्मेंस इस पिच पे कर पाएंगे, ठीक है। तो ये है पिच रिपोर्ट, इसके बाद में प्लेइंग 11 डिटेल बताऊंगा दूसरे वीडियो में। उसमें क्या होगा कि उसमें आप लोगों को बताऊंगा कि जो 22 प्लेयर होते हैं दोनों टीम के, 22 प्लेयर में कौन से 11 प्लेयर को चुने, किनको कैप्टन चुने, किनको वाइस कैप्टन चुने, ठीक है। ये तो पिच रिपोर्ट डिटेल है, उसमें मैं छोटा से छोटा डिटेल, जैसे इसमें मैंने छोटा से छोटा डिटेल निकाला, उसमें भी छोटा से छोटा डिटेल निकालूंगा। उसमें आप लोग को बताऊंगा कैप्टन किनको बनाया, वाइस कैप्टन किनको बनाया, और पूरा 11 खिलाड़ी का मैं डिटेल दूंगा, 22 में से कौन 11 खिलाड़ी आपके लिए बेस्ट होंगे और कौन जो है वो ड्रीम टीम में रहेंगे, ठीक है, कौन ड्रीम टीम में रहेंगे ये आप लोग को बताऊंगा नेक्स्ट वीडियो में। तो इस वीडियो में इतना है, क्योंकि वीडियो काफी लंबा हो चुका है और वो वीडियो कुछ देर में आ जाएगा जब आप ये वीडियो देखेंगे, उसके बाद चैनल में जाके देख लेना, उसमें ड्रीम इलेवन प्रेडिक्शन, उसमें कुछ गिव अवे भी रह सकता है। और इस वीडियो में अगर कोई भी सवाल है आपके मन में तो आप लोग मुझे कमेंट कर सकते हो, मैं सबके कमेंट का रिप्लाई देता हूँ, ठीक है, मैं सबके कमेंट का रिप्लाई देता हूँ, मैं किसी का कमेंट नहीं छोड़ता हूँ, मैं सबके कमेंट का रिप्लाई देता हूँ। तो आप लोग मुझे जो है वो कमेंट कर सकते हो, मैं आपके कमेंट का रिप्लाई दूंगा कोई भी सवाल हो तो। आज के वीडियो में बस इतना है, फिर मिलेंगे दूसरे वीडियो को लेकर के, तब तक के लिए आप लोग अपना ख्याल रखें, जय हिंद जय भारत।